आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में रोहित वेमुला की आत्महत्या के संबंध में बहुत गंभीर विषय को उठाया था और विषय की गंभीरता को सदन के बहुत सारे सदस्यों ने महसूस भी किया। हमारी नेता की ये मांग थी, चूंकि ये मामला एक दलित छात्र की आत्महत्या से जुड़ा है और सरकार की तरफ से यह इंडिकेशन मिल रहा था कि इस घटना की जांच के लिए न्यायिक जांच आयोग बनाया गया है, हमारी पार्टी की तरफ से हमारी नेता ने यह मांग की थी कि उस न्यायिक जांच आयोग में एक सदस्य शेड्यूल कास्ट का भी होना चाहिए ताकि उस दलित के परिवार को न्याय मिल सके। आज विपक्ष और सत्ताधारी पार्टी की तरफ से कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं, अपने भाषण किया है, लेकिन किसी भी सत्ताधारी पार्टी के सदस्य ने इस संबंध पर No, the BAC has already decided to sit beyond the time whenever it is needed. So you can please continue. किसी भी सत्ताधारी पार्टी के सदस्य ने इवन टू नेता सदन ने भी इस संबंध में कोई अपना वक्तव्य नहीं दिया, जिसके संबंध में हमारी नेता ने कल इस मुद्दे पे अपनी बात रखी थी। उपसभापति महोदय, हमारी पार्टी ने, हमारी नेता ने कल भी इस पे आशंका व्यक्त की थी कि शायद सरकार हमारी इस मांग पर सकारात्मक विचार नहीं कर रही है, पीठ से आश्वासन मिला था। उपसभापति महोदय जी ने आश्वासन दिया था कि हम सत्ताधारी दल के लोगों से कहेंगे कि आपकी मांग पर सकारात्मक विचार करें, लेकिन अभी तक जो सदन में डिस्कशन हुआ है, हमें नहीं लगा कि सरकार इस पर कोई गंभीरता से अभी तक विचार कर रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज इस सदन में हमारी पार्टी की नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के उस सवाल का जवाब जरूर मिलेगा। महोदय, रोहित की निर्मम आत्महत्या ये करोड़ों दलितों के सम्मान के साथ खिलवाड़ है। देश के 25 करोड़ दलितों में आज भय का वातावरण पैदा हो गया है और ये कोई पहली घटना नहीं है। महोदय, इससे पहले भी 9 दलित छात्र आत्महत्या कर चुके हैं, उनके केसेस में भी कोई बड़ा फैसला अभी तक नहीं आया है। देश की सरकारों ने दलितों की इन घटनाओं को शायद गंभीरता से नहीं लिया। गंभीरता से अगर लिया होता तो मैं सत्ताधारी लोगों को बताना चाहता हूं, अगर गंभीरता से लिया होता तो पिछले 10 सालों में 2.25 लाख दलितों पर अत्याचार नहीं होते। 2.25 लाख दलितों पर अत्याचार हुए, उनके केसों के फैसले नहीं आए। महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह कहना चाहता हूं कि लगातार दलित और आदिवासी लोगों पर होने वाले ये हमले शायद किसी षड्यंत्र का हिस्सा ना हो, ये भी एक जांच का विषय हो सकता है, यह भी एक विचार का प्रश्न हो सकता है। क्योंकि जिस तरह से रोहित ने अपना बयान दिया अखबारों को, मैं कोट करना चाहता हूं सदन के सामने, उन्होंने लिखा, मेरा दलित परिवार में जन्म लेना एक घातक दुर्घटना थी,
जिसने लगातार उसका पीछा किया और जिसके कारण उसकी जिंदगी की रचनात्मक संभावनाएं फलीभूत नहीं हो सकी हैं। जय भीम, ये लिखा था रोहित ने। रोहित ने आशंका व्यक्त की थी कि क्या दलित परिवार में पैदा होना मेरे लिए अभिशाप तो नहीं हो गया। मैं खास तौर से सत्ताधारी पार्टी के नेताओं को कहना चाहता हूं कि यही चिंता थी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब की भी, यही वेदना थी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब की कि जब उन्हों को भी ये कहना पड़ा था उस जमाने में जब जातिवाद का माहौल देश में हुआ करता था, जाति धर्म के नाम पर उत्पीड़न हुआ करते थे। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने भी कहा था, खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के हमारे बड़े नेता और उनकी पार्टी से जुड़े हुए तमाम जो धार्मिक संगठन हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं, डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा था कि हिंदू धर्म में पैदा होना मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू धर्म में रहकर नहीं मरूंगा, ये मेरे बस में है। अगर ऐसी बातें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कही तो आखिर कोई ना कोई वेदना इसके पीछे जरूर रही होगी, कोई ना कोई कारण इसके पीछे जरूर रहा होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं महोदय आपके माध्यम से कि कहीं ना कहीं 69 वर्षों की आजादी में आज भी दलित समुदाय अपने आप को असुरक्षित और अपमानित महसूस कर रहा है। सरकार को इसे जिम्मेदारी के साथ लेना चाहिए। एक छात्र को स्कॉलरशिप नहीं मिलती, फेलोशिप नहीं मिलती, वो इसलिए आत्महत्या कर रहा है कि एबीवीपी के नेता उसको प्रेशराइज कर रहे हैं, अंबेडकरवादी होने का उसको सजा दे रहे हैं। अगर अंबेडकरवादी होना कोई सजा का कारण है तो मैं समझता हूं कि यह कारण बिल्कुल भी उचित नहीं है। रोहित अंबेडकर स्टूडेंट्स एसोसिएशन के साथ जुड़े थे, वो संगठन के माध्यम से संघर्ष करते थे, यही शिकायत थी एबीपी की, यही शिकायत थी और तमाम सामाजिक संगठनों की। महोदय, अगर किसी अंबेडकर साहब के नाम से बनी हुई संस्था से जुड़ना कोई जुल्म है तो मैं समझता हूं कि ये नीति और ये बात किसी सूरत में भी देश में कबूल की जाने वाली नहीं है। बहुत तकलीफ का विषय है आदरणीय गृह मंत्री जी यहां पर विराजमान है कि ये घटना 18 जनवरी को हुई, उसी दिन एफआईआर होती है, 6 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर है महोदय, और आज 37 दिन गुजर गए हैं। 37 दिन में रोहित की आत्महत्या के सिलसिले में जिन 6 लोगों को अभियुक्त बनाया गया था, क्या उनके खिलाफ सरकार ने कोई कार्रवाई करने की कोशिश की है? क्या उनके खिलाफ कोई कानूनी पहलू पर सरकार आगे बढ़ी है? 306 SC/ST एक्ट लगा है उस मुकदमे में। बहुत सारे लोगों ने इस केस में गलत फहमी पैदा करने के लिए बहुत सारी बातें कही। किसी ने कहा यह तो शेड्यूल कास्ट ही नहीं है, इस तरह के सवाल उठाए गए। सभापति महोदय, अगर वो शेड्यूल कास्ट नहीं होता तो क्या FIR SC/ST एक्ट में होती? क्या उसके या क्या उसके दलित उत्पीड़न के मामले को दर्ज किया जाता? इसलिए मैं अपनी दूसरी मांग आज आपके माध्यम से करना चाहता हूं। पहली मांग बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से कि जो न्यायिक जांच आयोग बना है उसमें शेड्यूल कास्ट का अपॉइंटमेंट होना निहायत जरूरी है ताकि दलितों में न्याय के प्रति विश्वास बढ़े। और दूसरा मेरा निवेदन यह भी है कि जिन 6 आरोपियों को FIR में नामजद किया गया है, सरकार उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करने वाली है, इस पर भी कोई ना कोई जवाब इसलिए आना चाहिए कि अभी जो रिसेंटली घटना हुई है जवाहरलाल नेहरू केंद्रीय विश्वविद्यालय में, 9 तारीख की घटना है, तुरंत गिरफ्तारी हो जाती है, हमें ऐतराज नहीं है। देशद्रोह का कोई मुलजिम हो उसके खिलाफ आप कार्रवाई करें, हमारी पार्टी इस पर ऐतराज नहीं करती। लेकिन एक केस वो है जो हैदराबाद में 37 दिन पहले हुआ, उसमें एक भी मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुआ। एक केस ये है जो 9 फरवरी को हुआ,
उसमें गिरफ्तारियां हो रही हैं, देशद्रोह के मुकदमे लग रहे हैं। ठीक है, कानून जो कहता हो वो कार्रवाई करिए। और इस मुद्दे पर भी हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने साफ तौर से कहा था देश की जनता के सामने कि सरकार देख ले कहीं इसमें षड्यंत्र तो नहीं है, कोई साजिश तो नहीं है, करने वाला कोई और, फंस कोई और तो नहीं रहा है। और ये बात मैं इस आधार पर कह रहा हूं कि उस व्यक्ति ने, कन्हैया कुमार व्यक्ति ने जो अपना बयान और अपनी चिट्ठी दी थी दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को, उसको एक शब्द में मैं कोट करना चाहता हूं। मैं भारत के संविधान में विश्वास करता हूं तथा मेरा यह सपना है कि इसकी प्रस्तावना को अक्षर से लागू करने में हर संभव सहयोग कर पाऊं। मैं भारत की एकता और अखंडता को मानता हूं, इसके विपरीत किसी भी संवैधानिक कार्यों का संवैधानिक कार्यों का समर्थन नहीं करता हूं। इस तरह के देश की एकता के लिए उन्होंने अपना बयान दिया, इसी के आधार पर जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो दिल्ली का पुलिस कमिश्नर कहता है कि हम कन्हैया कुमार की बेल का विरोध नहीं करेंगे। कन्हैया कुमार के स्टेटमेंट के बाद, कन्हैया कुमार की सच्चाई के बाद शायद दिल्ली कमिश्नर का अपनी आत्मा जागी होगी, उन्होंने कहा कि हम इसका विरोध नहीं करेंगे। फिर भी मैं ये कहना चाहता हूं कि बिना ठोस सबूत के, बिना ठोस गवाहों के किसी व्यक्तियों को मुलजिम बनाना यह भी मानव अधिकार के खिलाफ होगा। इसलिए मैं चाहूंगा आपके माध्यम से मैं अपील करूंगा कि राष्ट्रद्रोह का मामला बहुत बड़ा है, बहुत गंभीर है। हम और हमारी पार्टी देश के सम्मान, देश की एकता के लिए सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार है, लेकिन निर्दोष लोग राष्ट्रद्रोह के केस में जाएंगे इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, देश बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए मैं अपील करूंगा कि इस गंभीर मामले में जल्दबाजी ना करें। सत्ता आपके हाथ में है, पुलिस आपके हाथ में है, निष्पक्ष जांच कराएं, जो दोषी हो उसको सजा मिले और जो निर्दोष हो उसको सम्मान से जीने का मौका मिले। आपने मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। भूपेंद्र सिंह चेयरमैन, उपाध्यक्ष महोदय, बहुत गंभीर